वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खैसो टीवी। दोस्तों मैं आज आपको ना पूरी डिटेल बताता हूँ कि छुहारा कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको आज सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सर आपको सब लोगों को पता होगा कि ये जो खजूर है इसका सीज़न होता है अगस्त और सेप्टेम्बर में। अगस्त सेप्टेम्बर में इसका सीज़न होता है। ये ढक्की खजूर है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़े साइज़ की खजूर है। ढक्की डेरा इस्माइल खान में है और आमतौर पे इसको नर, जो पंजाब वाली साइड पे या बाकी इलाकों में इसको नर छुहारा बोला जाता है, नर खजूर बोली जाती है। नर कहने नर की जो है ना इसका साइज़, ये देखें माशाल्लाह इतना बड़ा होती है। देखें ये तकरीबन 3 इंच की उंगली है, इस उंगली के बराबर है। तो ये नार खजूर होती है और इसके अक्सर फ़ायदे भी आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, वीडियोस अक्सर लोगों ने अपलोड की होती हैं। इसको खजूर के दरख्त से उतार के लाते हैं, काट के लाते हैं गोशे को। ये देखिए गोशे हैं, ये काट के लाते हैं। काट के लाने के बाद यहाँ पे इसको प्रोसेस ऐसे किया जाता है कि काटने के बाद ये सबसे पहले इसको यहाँ आके इस दंदान है इससे जो है ना, या क्या बोलें इसको, क्या बोलते हैं, इसके अंदर ऐसे ही रख के इसको यहाँ से लैदा किया जाता है, गोशे से लैदा किया जाता है। फिर उसके बाद इसकी सफाई की जाती है, जो ख़राब होते हैं, जो खजूर जिससे बनती है। अब कुछ दाने ऐसे होते हैं जो खजूर बन जाते हैं, अब ये दाना ठीक है, ये छुहारे के काबिल है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे इनकी खजूर बनाई जाती है। तो फिर इसके बाद इसको वाश किया जाता है, यहाँ पे इसकी वाशिंग होती है। वाशिंग के बाद इसको इस कड़ाह के अंदर डाला जाता है, यहाँ इसको पकाते हैं 5 से 8 मिनट। पकाने के बाद इसको जनाब धूप में यहाँ पे बिछा दिया जाता है। ये हमारे पास ये इस मटेरियल को हम अपनी ज़बान में फूड़ी कहते हैं या तड़ी कहते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ के ऊपर इसको हम लोग नहीं बिछा सकते। क्यों? इसकी रीज़न ये होता है कि इसको हम जब शाम को इसको कवर करते हैं तो फिर ये इसके अंदर से हवा भी गुजरती है और ये अंदर से भी यानी कि इसका सांस बंद नहीं होता। ये अब ये देख रहे, 3 दिन पहले हमने इसको बॉयल किया था। बॉयलिंग वाले दिन से लेकर 7 दिनों तक इसको खुश करना पड़ता है धूप में। पहला जो दिन होता है उस पहले दिन ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है कि इसको ज़्यादा हिलाना चलाना नहीं है और ज़्यादा इसको इकट्ठा भी नहीं करना। खुदा न खासा बारिश आ जाती है, बारिश आए तो इसको कवर प्रॉपर तरीके से करना है। और अगर ज़्यादा देर बारिश रुक जाए तो फिर आपने उसको एक दफ़ा जो है ना हवा लगवानी है, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो अगर आपने उसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह डाली है तो वो उसे ख़राब हो जाएगा। कोशिश करें कि प्लास्टिक से अवॉइड करें। ज़्यादा देर बारिश रुकती है तो फिर वो बहुत नुकसानदेह होती है खजूर वाले काम के लिए। थोड़ी देर आई बारिश चली गई, उसके बाद हवा आई या धूप निकल आई तो फिर नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा देर बारिश रुक जाए तो वो काफ़ी, यानी कि ज़्यादा देर से मुराद है कि 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, पूरा दिन 2 दिन, फिर उसमें जो है ना चांसेस ज़्यादा होते हैं कि माल ख़राब हो जाए सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ये सेटअप देखें, बारिश के बाद भी अल्लाह ने ऐसे बचाया कि बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते, जितना भी हम करें कम है। बारिश आई, 2 दिन बारिश लगी रही, हम ये समझ रहे थे कि बस जनाब 10-12 लाख का नुकसान तो हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ इतना, वही कोई 50,000 लाख रुपए का हुआ होगा मैक्सिमम, तो अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये इसको जब अगर बारिश लग जाए तो फिर तकरीबन 6 से 7 दिन की बजाय 8 से 10 दिन सुखाना पड़ जाता है, 10 दिन तक लग जाते हैं। ये जो छुहारे का कलर है पीला, ये इसकी जो है इसको हम लोग रंग काट डालते हैं, जो गुड़ में चीज़, गुड़ में नहीं डालते हैं रंग काट, जिससे गुड़ सफ़ेद होता है वो वाला रंग काट होता है। अगर आप चाहते हैं कि रंग कार्ड ना हो तो उस बग़ैर रंग कार्ड के बनाना चाहते हैं तो फिर आपको मतलब बग़ैर रंग कार्ड के बना सकते हैं, काला छुहारा बनेगा। पाकिस्तान में आमतौर पे काला छुहारा ही चलता है। हम लोग ये जो पीला बनाते हैं येलो होता है, इंडिया के लिए होता है, इंडिया में ये जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं हम, डायरेक्ट नहीं एक्सपोर्ट करते, हमारे साथ एक्सपोर्टर कंपनीज़ जो हैं वो एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनका कंटेक्ट होता है। तो ये सारे का सारा जो है प्रोसेस होता है खजूर छुहारे का। इसके लिए ज़मीन की पहले ग्राउंड की तैयारी करनी पड़ती है, इसको हम कुंदर बोलते हैं, अपनी ज़बान में ही कुंदर होती है। पहले कुंदर बिछाते हैं एक पूरी इस सेटअप के ऊपर, फिर उसके बाद ये हमारी तकरीबन 4000 ये फूड़ी है, ये फूड़ी हम इनके अरेंजमेंट करते हैं। तो उसके बाद जब सीज़न आता है तो कटाई स्टार्ट करते हैं।
एक जो हमारा ये पूरा सेटअप है इसको हम लोकल लैंग्वेज में खोड़ी कहते हैं। एक खोड़ी के लिए हमें तकरीबन 20 मज़दूर चाहिए होते हैं, और ये कुछ मज़दूर कटाई पे चले जाते हैं ट्राला लेके, बाग पे चले जाते हैं, और कुछ इधर होते हैं दो तीन लड़के होते हैं जिनकी ड्यूटी टोकरियों के ऊपर होती है। जिस तरह ये देख, ये लड़का जा रहा है टोकरी, ये जो छुआरा है बॉयल होता है उसको इधर ले आते हैं। तो ये सारी की सारी एक कंप्लीट शार्ट सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं सोच रहा था कि आपको लाजमी बताऊँ, ताकि अगर कोई बंदा छुआरे का कारोबार करना चाहे या वैसे ही इन्फॉर्मेशन लेना चाहे वो ले सकता है। ये आप देख रहे हैं ये छुआरा मतलब बिल्कुल ही पीला है, ये फ्रेश है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो इसका रंग वैसे पीला नहीं रहता, जिस तरह देखें अभी इतना खूबसूरत पीला है। जैसे जैसे खुश्क होता जाएगा तो इसका कलर आहिस्ते आहिस्ते डिम होता जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैं देता चलूँ, छुआरे की जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो 3 साल है। वक्त के साथ साथ ये थोड़ा सा नरम सॉरी सख्त होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये ख़राब नहीं होता। आंटी लालना इसके इसको आप मतलब गीला कर दें या कोई और ऐसा इसके साथ मतलब ऐसी कोई सीन ना हो, बाकी इसको ये ख़राब ऐसे नहीं होता। इसको प्रॉपर अगर रखें ना स्टोरेज में। ये खजूर है, ये काफ़ी मेहनत वाला काम होता है खजूर का। तो ये हमारे पास थोड़ी होती है क्योंकि इसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा, और एक्सपोर्ट नहीं करते, ये लोकल सेल हो जाती है। इसका रेट ज़्यादा होता है लेकिन बनती थोड़ी है। तो ये सारी एक छोटा सा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैकेज था जो मैंने आपको आप लोगों के साथ शेयर की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे चैनल के ऊपर हर तकरीबन हर वीडियो के ऊपर मौजूद होगा। तो नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर और या ले सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।